नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, इंटर की 12th जनरेशन काफी अच्छे रिस्पांस के बाद अब मुझे लगता है कि हर एक दुकानदार के पास तो पहुंच ही चुका है, बट जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि मदरबोर्ड कौन सा चूज किया जाए। हमें पता है कि काफी सारे मदरबोर्ड्स के लाइनअप्स अब हमारे सामने आ गए। जब इंटेल आता है, बहुत सारी वैरायटी के मदरबोर्ड्स आते ही है मार्केट में, बट अगर आप लोग एक इंटेल 12th जनरेशन i5, i7 या i3 के साथ भी जा रहे हो तो कौन सा वो मदरबोर्ड है जो आप लोग चूज कर सकते हो। तो बेसिकली गाइज, हम लोग यहां पर मिड रेंज या फिर बजट से थोड़ा ऊपर और हाई एंड से नीचे वाले रेंज को हम लोग कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप एक इंटेल i5 12400 या फिर 12600 या फिर i7 12700 वाले बिल्ड्स बना रहे हो तो उसके लिए कौन से मदरबोर्ड्स आप चूज कर सकते हो। मेरा बिल्ड कॉस्ट की बात करो तो फ्रॉम 75,000 टू 1,25,000 के बीच में आपका बिल्ड कॉस्ट रहने वाला है अगर आप लोग एक B660 मदरबोर्ड चूज कर रहे हो तो। अब इतने सारे ऑप्शंस है गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम 12,000 रुपीज टिल 25,000 रुपीज के B660 मदरबोर्ड आते हैं। कौन सा चूज किया जाए? हर मदरबोर्ड अलग है, हर ब्रांड के अपने अलग फीचर्स हैं। कौन सा बोर्ड अच्छा है, कौन सा चूज किया जाए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं मत जाना। विल बी राइट बैक। तो गाइस, एक B660 मदरबोर्ड के अंदर ज्यादातर चीजें एक Z690 मदरबोर्ड जैसी ही होती हैं। बस जो मेजर डिफरेंस आता है वो कुछ IO पोर्ट्स का और कहीं ना कहीं VRM जो आपके डिसिपेटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स का फर्क आ सकता है, मेजर डिफरेंस नहीं आता। बट अगर आप एक H610 से कंपेयर करें तो B660 मदरबोर्ड्स में काफी मेजर डिफरेंस आ जाता है, प्राइस में भी और फीचर्स में भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप B660 मदरबोर्ड्स में अगर आपका प्रोसेसर अलाउ करता है तो आप इन मदरबोर्ड्स के साथ ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो, जो कि आपको एक H610 मदरबोर्ड में नहीं देखने को मिलती। तभी हम लोग एडवाइस करते हैं सब लोगों को कि एक एंट्री लेवल H610 मदरबोर्ड के साथ जाने से बेटर है कि आप एक मिड रेंज का B660 मदरबोर्ड चूज करें, जिससे कि आपको काफी सारे लोडेड फीचर्स भी मिलेंगे जो आपको एज अ क्रिएटर या गेमर काफी ज्यादा मदद करेंगे फ्यूचर में भी। तो बात करते हैं टॉप 5 B660 मदरबोर्ड्स की जो कि मार्केट में इजिली अभी अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले बोर्ड की बात करें तो बात आती है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B660 MDS3H AX मदरबोर्ड। तो अगर इसके प्राइस की बात कर लें तो आपको अराउंड 12,000 रुपए का मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और चूंकि ये एक AX टाइप मदरबोर्ड है तो इसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई 6 भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, बात करें इसके फीचर्स की तो ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, मतलब की एक फुल साइज ATX मदरबोर्ड से थोड़ा छोटा है। हालांकि उससे कुछ ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है और बजट में होने के कारण इसमें आपको स्टील आर्मर्स और हीट सिंक्स इतने कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी बोर्ड में फीचर्स की कुछ खास कमी नहीं है, बट आप अगर मेजर चीजें जो हमारे लिए मैटर करती है वो ये है कि इसमें दो M.2 SSD स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी जेन 4 वाले, जिसमें से एक स्लॉट जो होगा वो आपका प्रॉपर हीट सिंक स्लॉट होगा, मतलब कि उसमें आपको स्टील आर्मर उसके ऊपर देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छी हीट डिसिपेशन भी है। इसके अलावा PCIe जेन 4 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपना ग्राफिक कार्ड अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि एक ये बजट मदरबोर्ड है तो इसमें आपको कोई भी अटैच्ड IO पैनल देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी IO शीट देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको अलग से ही लगानी पड़ेगी उसके बाद साथ में। इसके अलावा आप अगर रैम की बात कर लें तो इसमें आपको 4 डिम स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप 128 GB तक की रैम कंपैटिबल कर सकते हैं। वीडियो आउटपुट की बात कर लें तो इसमें आपको एक DP पोर्ट और एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा। आपको और भी पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि USB 2.0, 3.0, Type-C, Q Flash+, सब कुछ आपको इस बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर इस बोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और अगर फीचर्स की बात करें तो ठीक है, बट क्योंकि एक बजट में आ रहा है, एक एंट्री लेवल B660 बोर्ड है, तो आप इससे कुछ ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते। बट हाँ, अगर आपको एक एंट्री लेवल वाईफाई मदरबोर्ड चाहिए तो दिस माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू। तो गाइस, अब आते हैं अपने सेकंड मदरबोर्ड पे, वो होगा Asus Prime B660+ D4, मतलब DDR4 कंपैटिबिलिटी वाला मदरबोर्ड। तो गाइस, ये मदरबोर्ड आपको अराउंड 14,000 रुपए का मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब फॉर अ B660 मदरबोर्ड, दिस इज अगेन एन एंट्री लेवल 660 मदरबोर्ड, तो बीइंग ऑन द एंट्री लेवल साइड, मतलब बजट को ये कैटर कर रहा है, तो अगेन इसमें किसी भी तरह के कोई भी आर्मर्स या इंटीग्रेटेड IO शील्ड आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी भी बिल्कुल नॉर्मल सी होगी, CPU के आसपास ही आपको हीट सिंक्स देखने को मिलेंगी, बाकी बोर्ड पे एज सच कुछ मेजर VRM और VRM हीट सिंक्स और बाकी हीट सिंक्स भी देखने को कुछ खास नहीं मिलेंगी। बट जो मेजर चीज है वो ये है कि इसमें आपको फीचर्स की किसी भी तरह से कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी।
तीन M.2 स्लॉट्स देखने को मिलेंगे जेन 4 वाले। इसके अलावा PCI जेन 4 सपोर्ट देखने को मिलेगा। चार SATA पोर्ट्स हैं इसमें साथ में गाइस। और क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं तो क्योंकि वो प्रोलॉन्ग आवर्स तक लगता है, तो एक PCI जेन 4 जो स्लॉट है अगर वो स्टील आर्मर्ड हो तो कितनी ज्यादा मदद हो जाती है, ग्राफिक कार्ड में बेंडिंग नहीं आती। तो उस केस में इसमें आपको एक स्टील आर्मर्ड PCI जेन 4 स्लॉट देखने को मिलेगा। गाइस इसमें किसी भी तरह की कोई भी RGB लाइटिंग या कोई शोशेबाजी नहीं है, एक बजट बोर्ड है। जो लोग भी एक बजट में बोर्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए दिस माइट बी द राइट चॉइस। तो गाइस अगर थर्ड मदरबोर्ड की बात करें तो वो होगा हमारा फेवरेट, क्योंकि हमने काफी रिसेंट टाइम्स में उसमें 2-3 बिल्ड्स कर दी हैं और हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि गीगाबाइट की जो ऑरस सेक्शन है वो प्रीमियम माना जाता है काफी, तो ये वाला जो मदरबोर्ड है ये भी काफी एक प्रीमियम टच देगा आपके पीसी बिल्ड को। तो ये है गीगाबाइट ऑरस B660M Pro AX मदरबोर्ड, मतलब कि इसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई देखने को मिल जाएगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 17,000 रुपए का आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको दो PCIe Gen 4 M.2 स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि एक स्टील आर्मर्ड हीट सिंक वाला PCIe स्लॉट होगा, जिसमें आपको एक अच्छा थर्मल गार्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा PCIe Gen 4 सपोर्ट है गाइस इसमें। इसके अलावा अगर रैम कैपेसिटी की बात करें तो चार डिम स्लॉट्स हैं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। 128GB तक की DDR4 रैम इसमें सपोर्टेड है। अगर इसके थर्मल डिजाइन की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा एडवांस्ड थर्मल डिजाइन इसमें देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एक अच्छा गुड VRM सेक्शन देखने को मिलेगा, अच्छे VRM हीट सिंक्स देखने को मिलेंगे, एंड प्लस आपको इसमें RGB सपोर्ट, RGB लाइट्स भी देखने को मिलेंगी इस मदरबोर्ड में, क्योंकि एक प्रीमियम टच आ रहा है तो वो तो बनता ही है। इसके अलावा अगर इसकी ऑडियो कैपेसिटर्स की बात करें तो प्रीमियम ऑडियो कैपेसिटर्स की होने की वजह से एक हाई एंड ऑडियो सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चार SATA पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे फॉर योर हार्ड डिस्क एंड SATA SSDs। और अगर इसकी वाईफाई कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई 6 देखने को मिल जाएगा और एक इंटीग्रेटेड IO पैनल भी देखने को मिल जाएगा, जो एक काफी बड़ी बात है इस रेंज के मदरबोर्ड में। इसके अलावा अगर डिस्प्ले पोर्ट्स की बात करें तो HDMI, DP पोर्ट और ये सब तो इसमें है ही, वो तो अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। गाइस अपने फोर्थ मदरबोर्ड पे आए तो वो होगा MSI की तरफ से आने वाला MAC B660M मोटर वाईफाई मदरबोर्ड। तो गाइस अगेन प्राइस की बात करें तो अराउंड 17,500 से 18,000 की रेंज में आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप एक 17-18 हजार के ऊपर या उस रेंज वाले मदरबोर्ड में जा रहे हैं तो उस रेंज में आपको Z690 एंट्री लेवल मदरबोर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक सारे फीचर्स या इन B660 मदरबोर्ड से कुछ ज्यादा फीचर्स भी देंगे। बट यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि एक एंट्री लेवल Z690 के साथ जाने से अच्छा है कि आप एक हाई एंड B660 मदरबोर्ड के साथ जाएं, जिससे कि आपको एक बेटर क्वालिटी, बेटर VRMs और एक अच्छा बिल्ड भी मिलेगा, एक बिल्ड डिजाइन। तो गाइस बात करें इस मदरबोर्ड के फीचर्स की तो इसमें आपको दो हीट सिंक M.2 स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी NVMe SSD लगा सकते हैं, एंड अच्छा खासा स्टील आर्मर है इन M.2 स्लॉट के ऊपर। इसके अलावा चार डिम स्लॉट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप 128GB तक की रैम सपोर्ट कर सकते हैं। PCIe Gen 4 स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि एक स्टील आर्मर PCIe स्लॉट होगा, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर ग्राफिक कार्ड फ्रॉम बेंडिंग। इसके अलावा बहुत ही अच्छे VRM सपोर्ट, एक्सटेंडेड हीट सिंक्स और बहुत ही गुड क्वालिटी कैपेसिटर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। IO पैनल पर आपको HDMI और DP पोर्ट तो फॉर डिस्प्ले मिल ही जाएंगे, बाकी USB 2.0, 3.0 और Type-C कनेक्टिविटी तो आजकल हर बोर्ड में देखने को मिली जाती है। इसके अलावा गाइस एक अच्छा खासा ऑडियो बूस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑडियो कैपेसिटर्स आर वेरी प्रीमियम इन दिस मदरबोर्ड। तो गाइस आज के लास्ट मदरबोर्ड पे आए तो वो होगा ASUS की तरफ से आने वाला ASUS ROG Strix B660A गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। तो गाइस ये जो मदरबोर्ड है ये DDR4 रैम सपोर्टेड मदरबोर्ड है। प्राइस की बात करें तो अराउंड 17,500 रुपए की रेंज में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो एक हाई एंड मदरबोर्ड भी मान सकते हैं आप इसको, एक B660 का हाई एंड मदरबोर्ड है। हालांकि ये मदरबोर्ड उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा जो एक वाइट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब कि उनका ड्रीम है कि एक वाइट पीसी बिल्ड अगर करें तो ये बोर्ड आपकी नजर में जरूर रहना चाहिए। इसमें आपको अच्छे खासे वाइट आर्मर्ड VRM हीट सिंक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके बिल्ड को, एक वाइट वाले बिल्ड को और अच्छा लुक देंगे। इसके अलावा इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें वही आपको 12+1 पावर स्टेजेस देखने को मिलेंगी, प्रीमियम VRMs देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया कूलिंग है गाइस VRMs की, जिसमें आपको एक प्रीमियम VRM हीट सिंक्स और चिपसेट की हीट सिंक्स देखने को मिलेंगी, एक इंटीग्रेटेड IO पैनल देखने को मिलेगा। M.2 स्लॉट्स की बात करें तो तीन M.2 स्लॉट्स देखने को मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड हीट सिंक्स। इसके अलावा गाइस इस मदरबोर्ड में कुछ ऐसा है जो बाकी मदरबोर्ड्स में नहीं है, इस मदरबोर्ड में आपको PCIe Gen 5 कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि
आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको PCIe Gen 5 कंपैटिबिलिटी वाले ग्राफिक कार्ड्स और SSDs भी PCIe Gen 5 कंपैटिबिलिटी की आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। तो एक फ्यूचर प्रूफ के नाम पर ये बोर्ड काफी ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आपका बजट लाख सवा लाख रुपए के बिल्ड का है तो ये मदरबोर्ड रखने के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। इसके अलावा गाइस इसमें आपको वाईफाई 6 कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी और रैम कंपैटिबिलिटी की बात कर ले तो 4 डिम स्लॉट्स हैं, तो 128GB की DDR4 रैम इसमें इजिली कंपैटिबल हो सकती है। और गाइस इसमें एक और खास बात है कि 5333 मेगाहर्ट्ज तक की रैम आप इसमें ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, जो कि बाकी मदरबोर्ड्स में देखने को नहीं मिलेगा, तभी इस मदरबोर्ड को इतना हाईली रैंक किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस इस मदरबोर्ड में आपको रीइंफोर्स्ड PCIe स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि आपके ग्राफिक कार्ड के काम आएगा। बाकी RGB का भी पूरा शोशा हो सकता है इस बोर्ड में, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जो लोग भी एक प्रीमियम PC बिल्ड करना चाह रहे हैं विद 12600K या 12700K या इवन 12900K तो दिस मदरबोर्ड इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो गाइस आई होप कि मैंने जो भी मेजर मदरबोर्ड्स थे B660 के आप लोग की कहीं किसी हद तक तो कंफ्यूजन को दूर कराई होगा, क्योंकि गाइस B660 मदरबोर्ड्स नए हैं मार्केट में। किसी भी मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस का अभी कुछ खास रिव्यू या परफॉर्मेंस का रिव्यू अभी मार्केट में देखने को नहीं मिला है, तो वहीं पर ही एक वीडियो तो बनती थी जिसमें आपको B660 मदरबोर्ड्स के बारे में कुछ बताया जाए। तो कौन से बोर्ड को ले सकते हैं, कौन सा प्रीमियम है और कौन सा बजट है, किसके साथ जाना चाहिए किसके साथ नहीं, तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग जेट लैब टेक टिप्स, मैं हूं रजत द्विवेदी, मिलते हैं अगले वीडियो में।